मैं हूं गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं हाट पिपलिया की खबरों की ओर। ग्राम चाकरपुरा पटवारी हल्का नंबर 21 तहसील हाट पिपलिया के किसानों द्वारा सोयाबीन की फसल खराब होने पर सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय पर आकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। किसान अपनी सोयाबीन की फसल के पौधे भी साथ में लाए थे। आपको बता दें कि ग्राम चकरपुरा के किसानों ने तहसील कार्यालय में राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन दिया। वाचन किसान नेता अशोक पटेल कप्तान ने कहते हुए कहा कि ग्राम चाकपुरा पटवारी हल्का नंबर 21 तहसील हाट पिपलिया में सोयाबीन की फसल में फल नहीं आया है, फसल बांझ रह गई है। संपूर्ण सोयाबीन फसल में अफलन की स्थिति है और किसानों की संपूर्ण सोयाबीन फसल पूरी तरह से खराब हो गई है, जिसके कारण अन्नदाता बर्बाद हो गया है। भारी आर्थिक परेशानी आ गई है और इसके लिए किसानों की फसल का तत्काल सर्वे जाकर कराया। किसानों को शीघ्र मुआवजा दिया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अऋणी किसान तथा किसानों की फसल का भी बीमा किया जाए ताकि उन्हें भी फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके। हाट पिपलिया से दौलत मंसूरी की रिपोर्ट। नहीं आ रहा है, सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है। सोयाबीन को देखते ऊपर से अच्छा पानी नहीं आ रही, सोयाबीन फसल नष्ट हो गई, इसके कारण हमदाता बर्बाद हो गया। आर्थिक स्थिति